आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रिसिटी इसको रिवाइज करेंगे। इसके पेज नंबर 139 पर फिल द ब्लैंक्स देखते हैं। इस तरीके से सर अपने बुक में देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना होता है, एटम से। क्या आ जाएगा इसमें, एटम आ जाएगा, एटम से बने होते सारे मैटर होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम आ जाएगा। एटम हैव डैश इन द सेंटर, सेंटर में क्या होता है एटम के, न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। एटम सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डैश विच आर टाइनी एंड इनविजिबल पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो राउंड चक्कर लगाते हैं क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विच आर टाइनी एंड इनविजिबल पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत छोटे होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते, वो तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। The movement of electron makes dash flow. इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो जो कोई भी मैटर होता है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उससे उसमें द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, उस उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिकल जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव आर कॉल्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव आर कॉल्ड कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन मूव करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इसलिए जो कंडक्टर होते हैं उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्या इसमें क्या है, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव आर कॉल्ड कंडक्टर, उनको कंडक्टर कहा जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है पेज नंबर 142, नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताने हैं आपको। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एक सोर्स का नाम बताना है आपको। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, सेल, सेल है, बैटरी है, इनसे ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अगला देखो सेकंड ईयर एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, क्या है, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है हमारे, ये प्रेस है, तो ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, ठीक है। अगला आता है एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, मतलब या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिसमें से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो कॉपर हो जाएगा इसका, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है। एन इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, देखो इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसमें। कौन कौन से ऐसे, देखो प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, ठीक है, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो क्या आ जाएगा, चलिए इंसुलेटर का नाम लिखना है, प्लास्टिक लिख दिया है इसमें, और भी लिख सकते हो आप, रबड़ है और वुड है, ठीक है, पेपर है, तो सारे क्या है, ये इंसुलेटर है। थैंक यू।